दोस्तों अगर आप भी अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के फाइनल मुकाबले में सुपर ओवर ने रोमांच की सारी हदों को पार कर दिया, जहां दोनों टीमों के बीच ऐसा मुकाबला हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर की खतरनाक बल्लेबाजी से मुकाबला हुआ बराबरी पर समाप्त, फिर ऐसा क्या कुछ हुआ सुपर ओवर में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट कर रख दिया। तो आखिर जब जीत के लिए कोलकाता को 24 रन चाहिए थे, नामुमकिन थी कोलकाता की जीत, तब कैसे रिंकू और आंद्रे रसेल ने किया चमत्कार। उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से लेकर इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस बार कोलकाता आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आईपीएल 2024 का फाइनल और रोमांचक मुकाबला चेन्नई के चिपॉक मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया। यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि जो टीम चैंपियन बनेगी वो इस साल की ट्रॉफी लेकर जाएगी। इस मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, वहीं हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। हैदराबाद की टीम ने शानदार बल्लेबाजी की, कोलकाता के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। हैदराबाद की टीम ने कोलकाता के सामने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 225 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया, और यह लक्ष्य हासिल करना फाइनल मैच में कोलकाता के लिए इतना आसान नहीं होने वाला था। टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा ने सबसे अधिक रन 85 रन बनाए। हैदराबाद के द्वारा दिए गए लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता टीम, शुरुआत बेहद शानदार हुई। सुनील नारायण और रहमतुल्ला गुरबाज अपनी टीम के लिए अहम योगदान दिया, दोनों खिलाड़ियों ने खूब चौके छक्के लगाए, हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, टीम का स्कोर 150 रनों के पार पहुंचा। इन दोनों खिलाड़ियों ने भी मिलकर 50 रनों से अधिक की साझेदारी बनाई, लेकिन वेंकटेश अय्यर भी अपनी टीम के लिए 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन कप्तान श्रेयस अय्यर अर्धशतक लगाकर खेल रहे थे, उनका साथ देने के लिए रिंकू सिंह आए। मुकाबला फंस चुका था, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह मुकाबला अंतिम गेंद तक जा पहुंचा। कोलकाता को जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी, लेकिन अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़कर इस मुकाबले को बराबरी पर खत्म किया, जिसके कारण यह मुकाबला टाई हो गया। 240 गेंद खेले जाने के बावजूद भी चैंपियन नहीं मिल पाया था, जिसके बाद दोनों एम्पायरों और कप्तानों ने मिलकर डिसीजन लिया कि अब एक एक ओवर का सुपर ओवर खेला जाएगा। इस सुपर ओवर में भी पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला हैदराबाद की टीम को। ओपनिंग करने मैदान पर एक बार फिर अभिषेक शर्मा के साथ ट्रेविस हेड आए, वहीं कोलकाता की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिचेल स्टार्क। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा तो जरूर दिखाया, लेकिन हैदराबाद की इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 24 रन बटोर लिए और सुपर ओवर में कोलकाता के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सुपर ओवर में कोलकाता नाइट राइडर की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए रिंकू सिंह के साथ आंद्रे रसेल, वहीं हैदराबाद की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए कप्तान पैट कमिंस। स्ट्राइक पर मौजूद थे रिंकू सिंह। पैट कमिंस की पहली गेंद पर रिंकू सिंह ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। अब कोलकाता को जीत के लिए 5 गेंद पर 18 रनों की और जरूरत थी। पैट कमिंस ने दूसरी गेंद इतनी खतरनाक फेंकी कि रिंकू सिंह को कुछ समझ नहीं आया और वो इस बॉल को डॉट कर गए। अब कोलकाता को जीत के लिए 4 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। पैट कमिंस की तीसरी गेंद को रिंकू सिंह ने एक बार फिर अपना प्रचंड रूप दिखाते हुए छक्के में तब्दील कर दिया और अब हर कोई कोलकाता की जीत के लिए प्रार्थना करने लगा। टीम को जीत के लिए 3 गेंद पर 12 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी रिंकू सिंह ने चौथी गेंद पर सिंगल ले लिया और आंद्रे रसेल को स्ट्राइक दे दी। अब यह मुकाबला फंस चुका था। 2 गेंद पर 11 रनों की जरूरत थी। हर किसी की निगाहें आंद्रे रसेल पर टिकी हुई थी, वहीं रसेल भी हौसले से बुलंद नजर आ रहे थे। पैट कमिंस की 5वीं गेंद पर आंद्रे रसेल ने आक्रामक रूप दिखाते हुए सीधा एम्पायर के ऊपर से छक्का जड़ दिया और अपनी टीम के जीत के करीब लाकर उनको खड़ा कर दिया। अब कोलकाता को जीत के लिए 1 गेंद पर 5 रनों की जरूरत थी। हर कोई अपनी फिंगर को क्रॉस कर बैठा हुआ था। स्टेडियम में बैठे कोलकाता के फैंस भी अपनी टीम के लिए जीत की दुआ कर रहे थे। हर कोई आंद्रे रसेल से जीत की उम्मीद कर रहा था। पैट कमिंस ने जब अंतिम गेंद के लिए दौड़ लगाई, तभी आंद्रे रसेल ने उस गेंद को पढ़ लिया और अंतिम गेंद पर अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए खतरनाक छक्का जड़कर अपनी टीम को सुपर ओवर में कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी। और इसी के साथ आईपीएल 2024 की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर बन गई। इस जीत के साथ कोलकाता के खेमे में खुशी की लहर आ गई, यहाँ तक कि दर्शक भी खुशी से झूमने लगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है हैदराबाद और कोलकाता में से कौन सी टीम बनेगी इस बार आईपीएल 2024 की चैंपियन, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।